الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 21वें पारे की तफसीर खुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इस पारे के आगाज़ में नमाज की अहमियत और नमाज का इस्लाम में जो मकाम है और उसके जो दुनियावी फ़वाइद है उसका तज़किरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा कि आपके पास जो किताब यानी कुरान हकीम की जो वही की जाती है आप उसको पढ़ कर के लोगों को सुनाएं, उसकी तिलावत कीजिए और वअक़िम अस्सलाह नमाज क़ायम कीजिए। इन अस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के दो बड़े और अहम फ़ायदे ज़िक्र किए, ये इज्तिमाई फ़ायदे भी हैं और इनफ़िरादी फ़ायदे भी हैं। अल्लाह ने कहा इन अस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बिला शुबा नमाज ये फहशा यानी फहश बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से और मुनकर नापसंदीदा चीज़ों से, नापसंदीदा कामों से इंसान को रोकती हैं। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा ज़िक्र है। कौन? नमाज। नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा ज़िक्र करता है और ज़िक्र की अदायगी कर सकता है। वल्लाहु यालम मा तस्नऊन, अल्लाह तबारक व ताला सारी चीज़ों को जानता है जो तुम करते हो। आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के दो बुनियादी फ़ायदे ज़िक्र फरमाए। एक फ़ायदा तो ये कि ये फहश चीज़ों से इंसान को रोकता है। मेरे भाइयों, आज दुनिया में मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद है आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। मुसलमानों की जितनी बड़ी तादाद है इतनी तादाद मुसलमानों की नमाज अदा करती है, डेली पाँच वक्त की नमाज अदा करती है। कितने लोगों के ऊपर उसका ज़ाहिरी असर है और कितने लोगों का के ऊपर इनफ़िरादी असर है, कितने लोगों के इज्तिमाई असरात उसके नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, समाज ऐसा महसूस होता है के बिल्कुल उन तमाम चीज़ों से खाली है जो इस्लामी मुरुवत है, इस्लामी अखलाक है, इस्लामी किरदार है, इंसानी मामलात है। जितनी भी खूबियां हैं आज समाज से बिल्कुल दूर नज़र आ रही हैं और जितने भी फसाद, जितने भी बिगाड़, जितने भी मुनकरात, जितने भी फहश काम और बातें गुफ्तगू, सारी चीज़ें समाज के अंदर हैं। क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि हमारी नमाज़ें कबूल नहीं हो रही, हमारी नमाज़ें कबूल नहीं हो रही। रब का वादा झूठा नहीं है, रब का वादा बिल्कुल क्या है, सच्चा है। रब ताला सुबहानहू अपने वादे में सच्चा है, अपनी गुफ्तगू में सच्चा है, अपने कलाम में सच्चा है। उसने कह दिया नमाज इंसान को फहश कामों से और मुनकरात से, बुरे कामों से, बुरी बातों से रोकती है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ने के बावजूद वो इन चीज़ों से नहीं रुक रहा है या वो इनफरादी तौर पर उसके ऊपर नमाज का कोई असर नहीं है या इज्तिमाई तौर पर समाज के लोगों पर कोई असर नहीं है तो समझ लीजिए कि नमाज़ें कबूल नहीं हो रही, नमाज़ें कबूल नहीं हो रही। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मसला है। जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था? कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर एक मकाम पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ईमान वालों आप नमाज और सब्र से मदद हासिल करो।
मदद हासिल करने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि ये ज़रिया बनता है इंसान का अल्लाह से करीब करने का। नमाज में इंसान जब रहता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब रहता है, और इस नमाज के ज़रिए से बंदा अल्लाह तबारक व तआला का की मदद हासिल करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्नद अहमद और अबू दाऊद वगैरह की रिवायत है कि इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़ीअ इलस्सला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मामला पेश आता, दुनियावी मामला, कोई भी मसला पेश आ जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज का सहारा लेते, फौरन नमाज की तरफ पलट करके आते, और आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकअत नमाज अदा करते, और फिर उसके ज़रिए जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल करनी होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद हासिल करते। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया के अंदर फितना और फसाद, माहौल इतना ख़राब हो चुका है सांस लेना दुश्वार है ना। कोरोना वायरस के नाम पे जो ऐसा माहौल ख़राब किया गया है और किया जा रहा है, लोगों का, मुसलमानों का सांस लेना दुश्वार हो रहा है। सांस में तकलीफ़ नहीं है? कोरोना वायरस में लोगों को सांस की तकलीफ़ नहीं है? इसका मतलब ये है कि हमारे गुनाहों का बोझ ज़मीन पर बढ़ गया है और नमाज़ें और इबादतें कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला से हम मदद तलब करना चाहते हैं, मदद हासिल करना चाहते हैं, तो इस हदीस पर अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी मामला आता, आप फौरन नमाज का सहारा। जानते हैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप तो नबी थे ना, आप इशारा कर दें आसमान की तरफ से वही आ जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हाथ उठा लें आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाए, फिर भी आप असबाब इख्तियार कर रहे हैं, क्या नमाज पढ़ रहे हैं। और हम मुसलमान कहाँ हैं, रमज़ान के महीने में भी सो रहा है, उसे नमाज की तौफीक नहीं है। तो फिर ये बला टल सकती है, ये मुसीबत टल सकती है। मुसलमान अपने आप को फहश कामों से और मुनकरात से, बुरी बातों से, बुरे कामों से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। मुसलमान आज नमाज भी पढ़ रहा है, चोरी भी कर रहा है। ये माफ़ कीजिएगा थोड़े से अल्फाज, ये हार्ड है मुसलमानों के लिए, लेकिन ये बिल्कुल समाज में पाया जा रहा है ना। नमाज भी पढ़ रहा है, चोरी भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, शराब भी पी रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लोगों का कत्ल भी कर रहा है, जो कि एक बहुत ही घिनौना जुर्म है। सारे काम नमाज पढ़ रहा है, मुनशियात का इस्तेमाल, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, न जाने कौन कौन सी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही। अगर कोई आदमी बुराइयों से नहीं बच रहा है तो उसे अपनी नमाज का हिसाब लेना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि मेरी नमाज में कितना खुशू है, मेरी नमाज में कितनी रिक्क़त पाई जा रही है, मेरी नमाज में कितना दिल हुजूरी के साथ में अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़े होकर के नमाज अदा कर रहा हूँ, कितने इत्मीनान से है, कितने सुकून से, तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए अपना जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम जो है नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमारी हम बुराइयों से भी नहीं बच पा रहे हैं। मेरे भाइयों, नमाज का बड़ा अहतमाम है, कुरान और सुन्नत के अंदर उसका बड़ा मकाम है, मुसलमानों ने उसे खो दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मिसाल बयान कर रहा है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लअब। अल्लाह ने दुनिया की मिसाल को कहा, दुनिया ये जो है ये लहू लअब की शक्ल, खिलौना जो होता ना, खिलौना जो बच्चा खेलता है, छोटा बच्चा, उसको हम ला करके खिलौना देते हैं, वो बच्चा जो है जब तक उस खिलौने से खेलता है उसकी दुनिया कायम है, जैसे वो खिलौना उससे हट के गया, उससे हटा, उसके बाद उसकी दुनिया ख़त्म। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, हम भी अपने बचपन में ये खेल खेल चुके हैं कि रेत, बहुत सारे रेत हो, रेत का एक ढेला हो या एक कई एक जो है रेत कहीं एक जगह पर इकट्ठा की गई हो, और उस रेत के अंदर हम घर बनाते हैं, घरौंदा कुरेद कुरेद करके उसके अंदर घर बनाते थे, है ना। हमारे अपने बचपन में हमने तो बनाया है, वो कब तक है, जब तक उसको हमने बना करके रखा है, उसके बाद कोई आया उसको तोड़ दिया, या कम से कम वही जो है जो रेत जैसे नीचे गिरी ख़त्म, वो घर जो है वो घरौंदा ख़त्म हो गया,
ऐसे ही दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल अल्लाह ने दी। ये दुनिया ये मेरे और आपके सामने खिलौने की हैसियत से, ये लहू और लाइब है, खेल और तमाशे की जगह है। और ये जब तक हमारी आँखें खुली हैं, हमारे अंदर सांस चल रही है, तब तब ये खिलौना अच्छा लगेगा। जैसे ही आँख बंद, खिलौना ख़त्म, खेल ख़त्म। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको ये इस आयत करीमा के ज़रिए पैगाम दिया कि ये खेल और खिलौने वाली दुनिया से ज़्यादा लगाव न रखिए। वलद्दारुल आखिरतु, अल्लाह ने कहा कि आखिरत की ज़िंदगी लहियल हयावान, हमेशा की ज़िंदगी है, उस आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दे करके उसके लिए कोशा हो जाएं, खूब मेहनत करें उसके लिए, जितनी इबादतें हो सकें, वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी मामूली ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, आज है कल नहीं, एक घंटे के बाद ख़त्म। इंसान की आँख बंद होते ही ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा दिल लगी और दिल लगाने की ज़रूरत नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरी सबील, दुनिया में ऐसे रहिए जैसे कि आप एक मुसाफिर, गरीब कहते हैं अजनबी इंसान को, ऐसे एक अजनबी इंसान किसी इलाके से आया आपके हैदराबाद में, या ये सेवन टॉम्स मस्जिद तौहीद के अंदर आया एक अजनबी आदमी, आप नहीं जानते हैं, वो आपको नहीं जानता, आया वो आदमी यहाँ पे, जब तक के लिए उसकी नमाज का वक्त है, वो रुकेगा अपने काम का, जहाँ तक उसका वक्त है उस काम के वक्त तक वो रुकेगा, फिर वो चला जाएगा। ये अजनबी है, ये क्या है, गरीब। आबिरु सबील मुसाफिर को कहते हैं, एक मुसाफिर बेचारा जब कहीं सफ़र करता है तो ज़्यादा दिनों तक, बहुत बहुत एक महीना एक साल, उसके बाद सफ़र ख़त्म उसका। ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको इस दुनिया में रहने का हुक्म दिया कि आप इस दुनिया की ज़िंदगी को ऐसे समझ लीजिए कि आप एक सफ़र पर आए हैं। यहाँ बचपना आपका सफ़र है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसके बाद सफ़र ख़त्म। और बहुत मुमकिन है बाज़ लोगों को बचपना के बाद जवानी ना मिले, बाज़ लोगों को जवानी के बाद बुढ़ापा ना मिले। लिहाजा गनीमत समझते हुए जो वक्त मिला है आपको, चाहे वो जवानी का हो, बुढ़ापे का हो, और अधेड़ उम्र का हो, नौजवानी का हो, जो भी वक्त मिला हो उसमें अल्लाह की इबादत कर लें, और अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा करके अपनी आखिरत को बना लें। इसी में हमारी अक्लमंदी है और होशियारी है। दुनिया में एक मुसाफिर की तरह से रहिए, या ये कि एक अजनबी बन करके रहिए, ताकि इंसान ज़्यादा दिल लगाएगा अगर दुनिया में, तो फिर वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगा, वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया के अंदर ये दुनिया की मिसाल एक लहू लैब की तरह से हैं, खेल तमाशे की तरह से हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुशरिकीन का अकीदा ज़िक्र किया, मुशरिकीन जो है इनका अकीदा ज़िक्र किया कि ये जब सवार होते थे कश्ती में, तो जब कश्ती भंवर में फंस जाती थी और मामला जब बिल्कुल कठिन और मुश्किल का होता, उस वक्त वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को याद करते थे, सारे माबूद जितने थे उनको छोड़ करके वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को याद करते और अल्लाह को पुकारते थे। उसी को अल्लाह ने कहा कि फ़ैज़ा रकिबू फिल फुल्की दअउ अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब ये लोग कश्ती पर सवार होते और कश्ती जब भंवर में फंसने लगती और समंदर में फंसने लगती और ये लोग परेशान होते, तो दअउ अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को बिल्कुल खालिस होकर के पुकारते, अल्लाह तेरे अलावा इस कश्ती में, इस जो मसले के अंदर हम फंसे हुए परेशानी से नजात देने वाला कोई नहीं है, खूल बिल्कुल खालिस होकर के, मुखलिस होकर के दुआ करते। फिर क्या करते, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है जब इनको हम नजात दे देते हैं और कश्ती से, उस पानी से, समंदर से, उस जगह से उनको नजात दे करके उन्हें साहिल समंदर पर ला कर खड़ा कर देते, खुशकी पर उन्हें बचा करके ला कर खड़ा कर देते, तो फिर वो शिर्क करने लग जाते। अल्लाह मेरे भाई और मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, शिर्क के मामले को लेकर के नहीं, दुनियावी मामलात को लेकर के
इंसान के पर्सनल आमाल को लेकर के आज के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। मुसलमान अपनी इबादतें महज मकसद से करता है, इल्ला माशाल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने इखलास दिया, खुलूस दिया, जिनके दिलों के अंदर तकवा है, डर है, अल्लाह का खौफ है, वो सच्ची नीयत से खालिस इखलास के साथ वो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद है वो मकसद से नमाज़ पढ़ना होता है, जब तक अल्लाह तबारक व ताला उनको देता है तब तक वो नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे ही नमाज जैसे अल्लाह ताला उनसे कुछ दिनों के लिए छीन लेता है, उन्हें आजमाता है, वो लोग नमाज भी छोड़ देते, बोले क्या जाए नमाज़ पढ़ने, अल्लाह हमको देता ही नहीं। नाऊज़ु बिल्लाह। मेरे भाइयों, ये मुशरिकों का अकीदा है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, मुशरिकों का तरीका है जो मुसलमानों ने अपना लिया। मुसलमान क्या करता है, जब उसको अल्लाह ताला खूब देता है, खूब नेमतों से नवाजता है, खूब नमाजें पढ़ता है, सदका खैरात करता है, जैसे अल्लाह ताला थोड़ी आजमाइश करता है तो फिर वो अल्लाह को भी भूल जाता है। दुनिया के अंदर बाज़ लोगों को हमने अपने आँखों से देखा, कानों से सुना। भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाज़ लोग नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह हज़ारों मरतबा करोड़ों मरतबा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला को गाली देते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस कदर गिर गए मुसलमान। ये मुशरिकों का अकीदा बताया जा रहा है, जब तक उनको मिल रहा था ठीक, खूब अल्लाह का नाम ले रहे थे, अल्लाह 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 रसूल अल्लाह रसूल, अल्लाह ने थोड़ा सा उनको आजमाया, सब कुछ भूल गए। ये अल्लाह ने मुशरिकों का अकीदा जिक्र किया। दरअसल इसके पीछे एक पस मंज़र इकरमा बिन अबी जहल का जिक्र किया जाता है। अबू जहल के बेटे इकरमा अभी काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे। जब फतेह मक्का का मौका आया, मक्का फतह हो गया, तफ़सीर इब्ने कसीर और सीरत इब्ने इसहाक मोहम्मद बिन इसहाक की एक सीरत है, सीरत इब्ने इसहाक, उसके अंदर ये वाक़ जिक्र किया है। तो इकरमा मक्का मुकर्रमा को छोड़ करके जब उनको पता चला कि मक्का फतह हो चुका है, वो छोड़ करके हबशा जाने लगे। कहाँ जाने लगे? हबशा जाने लगे कि मैं अब यहाँ से छोड़ करके हबशा चला जाता हूँ, वरना अगर यहाँ रहूँगा तो मुसलमान होना पड़ेगा। जब वो हबशा जाने लगे तो कश्ती में सवार हुए, तो कश्ती में जब सवार हुए तो रास्ते में जो है कश्ती जो है डोलने लगी, और सारे लोग उस कश्ती के जितने लोग थे वो परेशान होने लगे। तो सब ने कहा अब सब लोग इकट्ठा होकर के अल्लाह तबारक व ताला के सामने इखलास के साथ दुआ करो ताकि अल्लाह ताला हम सबको नजात दे दे। सारे लोगों ने ये काम किया। इकरमा बिन अबी जहल के दिल के अंदर ये बात आई कि जब मुसीबत में अल्लाह तबारक व ताला हमारा साथ देता है, जब मुसीबत में अल्लाह तबारक व ताला हमें नजात देता है, तो खुशकी में तो बदरजे अवला नजात देता है। उन्होंने दिल में ठान लिया, अल्लाह मैं यहाँ से अगर नजात पा गया और साहिल समंदर पे गया, उसके बाद मैं खुशकी में पहुँचते ही मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर। देखिए, वो इकरमा इब्न अबी जहल जो है वहाँ से निकले और साहिल समंदर पर पहुँचे, और फिर वहाँ जा कर के वो इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बाज़ लोगों को बाज़ चीज़ें खाली हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती हैं, और बहुत सारे लोगों को सारा कुरान पढ़ कर के सुना दीजिए, उनकी हिदायत के लिए काफ़ी नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये जिक्र किया मुशरिकों का अकीदा कि जब अल्लाह उनके साथ अच्छा बर्ताव करते, अल्लाह के जब वो फंस जाते अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह ताला उनको नजात दे देता, तो फिर वो लोग शिर्क करने लग जाते। अल्लाह ने कहा ये मुशरिकों का अकीदा है, और मैंने बताया कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद के अंदर ये अकीदा दूसरे अंदाज से घुस गया है कि जब तक उनको माल मिलता रहता है, नेमतें मिलती रहती, दुनिया मिलती रहती है, तब तक अल्लाह अल्लाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खूब सदका खैरात करते हैं। जैसे ही अल्लाह थोड़ा आजमाता है, सब छूट जाता है, नमाज भी छोड़ देते हैं, रोज़ा भी छोड़ देते हैं, दाढ़ी तक काट लेते हैं। मेरे भाइयों, मैंने बाज़ लोगों को ये भी देखा कि वो थोड़े थोड़े जज्बात में आए, नए नए लोग हुए और जज्बा हुआ, खूब दाढ़ी वगैरह सब पूरा मुसलमानों का, जैसे ही थोड़ा सा अल्लाह ने आजमाया, सब खत्म। ऐसे लोगों का अकीदा मुसलमानों का अकीदा नहीं, ये मुशरिकों का अकीदा है। अल्लाह ताला हम सब को बचाए और हिफाजत में रखे, आमीन। मेरे भाइयों, आगे सूरह रूम की शुरुआत हो रही। सूरह रूम की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व ताला ने एक अहम बात की तरफ इशारा किया है और रूम के फतह होने का इशारा दिया है। अहदे नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो बड़ी ताकत थी, एक फारस की
जो ईरान जिसे कहते हैं, और एक रोम की ताकत, फारस की जो ताकत थी जिसे ईरान कहते हैं, ईरानियों को कहते हैं, ये फारस की जो ताकत थी, ये लोग बुत परस्त थे, आतिश परस्त यानी आग को पूजने वाले। और जो रोम के जो लोग थे वो रोम वाले, रोम के रहने वाले ईसाई थे। कौन थे? ईसाई। ये दो बड़ी ताकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। मुशरिकीन मक्का चूँकि मुशरिक थे, इसलिए वो लोग फारस का, ईरान वालों का साथ देते, सपोर्ट करते, यानी कि वो लोग आतिश परस्त लोगों को सपोर्ट करते थे, मुशरिकों को, और मुसलमान ईसाइयों का सपोर्ट करते रूमियों का। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान जिस तरह अहले किताब है यानी अल्लाह की तरफ से किताब दिए गए, ऐसे ही ईसाई भी अल्लाह की तरफ से किताब दिए गए यानी उनको भी इंजील मिली थी ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल। इस एतबार से दोनों अहले किताब हुए, किताब दोनों को मिली थी, इसलिए मुसलमान ईसाइयों का साथ देते। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मुशरिकीन ने या फारस ने रोम के ऊपर हमला किया और रोम को फतह कर लिया, गालिब आ गए रोम के ऊपर। अब ये चीज़ जो है मुसलमानों को तकलीफ़ देती थी, गम, क्योंकि मुसलमान रोम को सपोर्ट करते थे तो तकलीफ़ दे रही थी, ज़रा गम में थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाजिल, सूरत नाजिल फरमाई, गुलिबत रोम, रोम मगलूब हो गया, फ़ी अदनल अर्द वहुम मिन बाद ग़लबिहिम सयग़लिबून, और करीब ही के सरजमीन पर, ये फ़लस्तीन वगैरह के इलाके की बात हो रही, शाम फ़लस्तीन के इलाके में, अन करीब ये लोग फिर गालिब हो जाएंगे, ये रूमी लोग फिर फारस पर, आतिश परस्त लोगों पर फिर से ये लोग गालिब हो जाएंगे। ईसाई इसकी खुशखबरी दी, फ़ी बिज़ई सिनीन, बहुत मुख्तसर से सालों में। ये बिग जो है लफ्ज़, ये 3 से 9 साल के दरमियान की मुद्दत को बोला जाता है। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दावा कर दिया, ये आयत करीमा नाजिल हुई जब इस सूरत, तो कहा अबू जहल से, कहा रूम फतह होने वाला है और जानो, जानते हो ये 5 साल के अंदर हो जाएगा, 5 साल के अंदर ये रूम फतह होगा और मुसलमानों को खुशी लायक होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा, ए अबू बकर, आपको 5 साल नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि बिज़ का लफ्ज़ जो है, बिज़ का लफ्ज़ जो है ये 3 से लेकर के 9 तक बोला जाता है, तो अल्लाह ताला जो है आपको बताना चाह रहा है कि 3 से लेकर के 9 साल के दरमियान ये फतह होगा और 7 साल के अंदर रूम फिर से फतह हो गया और जो है रूमियों को अल्लाह ताला ने फारस के ऊपर, ईरानियों पर फिर गलबा अता फरमाया। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। इसमें खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, फिर मुसलमान खुशी से झूमे और उनको खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ और रूम को 7 साल के बाद गलबा हासिल हुआ और फिर वो लोग ईरानियों पर गालिब हो गए। अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वाक़े को यहाँ जिक्र फरमाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि 5 साल में रूम गालिब आ जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी को जब ये बात पता चली तो आपने कहा कि आपको 5 साल की तहदीद नहीं करनी थी, बल्कि आपको कह देना चाहिए था कि इतने सालों तक, 9 सालों तक अल्लाह ताला जो है इसे गालिब कर देगा, उसको फतह दे देगा। अल्लाह ताला ने 7 साल में रूम को गलबा अता फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये रूम का वाकया जो है ये गज़वे बदर के बाद हुआ है, यानी गज़वे बदर जैसे फतह हुआ उसके मान बाद जो है रूम को भी गलबा हासिल हुआ, तो 2 खुशी मुसलमानों को मिली। एक तो रूम बदर में मुसलमानों को खुशी हुई, मुसलमान जब फतह हासिल कर लिए काफिरों पर, जब उनको फतह नसीब हुई बदर के मकाम पर, उसके बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूम की खबर मिली, तो रूम की खबर मिलने पर मुसलमान उसके बुनियाद पर भी खुश हुए। तो इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर जिक्र किया है। आगे अल्लाह तबारक व ताला एक मिसाल दे रहा है, तौहीद की मिसाल दे रहा है, तौहीद को समझा रहा है और शिर्क की नफ़ी कैसे कर रहा है वो बता रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह को शिरकत, किसी की शिरकत इतनी ज़्यादा नापसंदीदा है, जैसे कि अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी कि तुम मालदार हो, अल्लाह ने दुनिया वालों से कहा कि तुम मालदार है और तुम्हारे पास जो है बहुत सारे गुलाम हैं,
बहुत सारे गुलाम हैं। अब वो गुलाम तुम्हारी मालदारी में शरीक हो जाए, तुम्हें ये पसंद है? कोई इंसान, कोई मालिक वो ये सोचेगा कि मेरे माल में कोई गुलाम मेरा शरीक हो जाए, वो मालिक कभी भी पसंद नहीं कर सकता है, वो कभी भी पसंद नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ضرب لكم مثلا, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल पेश की, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने नफ्सों से अल्लाह ताला ने एक मिसाल पेश की है, वो ये है हल्लकुम मिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रोज़ी दी है, जो माल दिया है, उस माल के अंदर तुम्हारे गुलाम तुम्हारे अगर शरीक हो जाएं, शरीक बन जाए, तो तुम कैसे महसूस करोगे? तुम उसको अपना शरीक बनाओगे? तुम्हारा और उनका शिरकत ये दोनों बराबर हो सकता है, यानी वो लोग आपके शरीक हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता करके इशारा किया कि जब आप लोग दुनिया के अंदर दुनियावी शिरकत को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला तो इतना अजीम है, वो कैसे दूसरों की शिरकत को पसंद कर सकता है, दूसरे माबूद की शिरकत को कैसे पसंद कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जैसे तुम लोग एक गुलाम की शिरकत को नापसंद करते हो अपने माल में, अपनी रोज़ी में, अपने रिज़्क़ के अंदर, इससे कई गुना अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत में किसी को शरीक होने को नापसंद करता है। क्योंकि ये दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है ये सब अल्लाह की क्या है? गुलाम है, अल्लाह की क्या है? जब तुम अपने गुलाम को पसंद नहीं करते हो शिरकत के लिए, तो अल्लाह अपने गुलाम को कैसे पसंद करेगा? मिसाल समझ गए? अल्लाह ताला ने तौहीद की मिसाल बहुत जामे तौर पर जामे अंदाज में अता फरमाई दी कि दुनिया के लोग अगर इसको समझ लेंगे तो फिर कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। कि जब हम दुनिया में किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं, अपना शरीक नहीं बना सकते, तो फिर अल्लाह के साथ कैसे हम शरीक कर सकते हैं? आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सारे फितरत पर, इस्लाम पर पैदा होते हैं, सारे मुसलमान होकर के पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं, किसी भी घर में पैदा हो, चाहे मुशरिक के घर में, काफिर के घर में, ईसाई के घर में, यहूदी के घर में, मुसलमान के घर में, किसी के भी घर में पैदा हो, सब मुसलमान होकर के पैदा हो, फिर उनके माँ बाप उनको, अगर वो काफिर है तो काफिर बना देते हैं, मुशरिक है तो मुशरिक बना देते हैं, यहूदी है तो यहूदी बना देते हैं, ईसाई है तो ईसाई बना देते हैं। अल्लाह ताला ने कहा जैसे उनके माँ बाप उनको करते हैं वैसे वो लोग हो जाते हैं। अल्लाह ने उसी को जिक्र किया, फितरत अल्लाह अल्लती फतर الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون। अल्लाह ने कहा कि ये फितरत जिसके ऊपर, यानी फितरत इस्लाम जिसके ऊपर इंसान की पैदाइश होती है, वो ऐसी फितरत है ला तब्दील लि खल्किल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह ने जिसको जिस कैफियत से पैदा किया है उसी कैफियत में उसको रहना है, उसी अंदाज में उसको दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है, उसकी तख्लीक में कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई तफरीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक ऐसे कैसे ही है। लिहाजा फितरत अल्लाह अल्लती फतर الناس عليها का मफहूम यह है कि दुनिया में इंसान अगर फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है तो मरते दम तक वो फितरत इस्लाम पर रहे। यही असल इस्लाम का पैगाम है, कुरान का पैगाम है, आयत करीमा का पैगाम है कि दुनिया में अगर मुसलमान होकर के बंदा पैदा हुआ है तो उसी हालत में रहे। प्यारे नबी ने फरमाया फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। बंदा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है लेकिन उसका बाप नसरानी होता है, ईसाई होता है, ईसाई बना देता है। उसका बाप यहूदी होता है, बच्चे को यहूदी बना देता है। उसका बाप मजूसी होता है तो बच्चे को मजूसी बना देता है। अलगरज जो जिस कैफियत का होता है दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला वो कहता है कि उसके बाप उसके वालिदैन जिस तरह उसको बच्चे को करते हैं वो बच्चा उसी तरह से हो जाता है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के एक जुमले के अंदर ला तब्दील लि खल्किल्लाह में उन लोगों का तोड़ है जो लोग सर्जरी करते हैं या करवाते हैं अपने चेहरे को, अपने नाक को, अपने आँख को, अपने जिस्म के बॉडी के किसी भी हिस्से को बिला वजह बग़ैर उज़्र शरई के। टूट गया कोई हर्ज नहीं, आप करवा सकते हैं, नया लगा सकते हैं ऐब को छुपाने के लिए। लेकिन आदमी ऐसे ही, आपने कुछ लोगों को सुना होगा
न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती मर्द है तो औरत बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ औरतें अपना सब कुछ चेंज करके मर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की नफ़ी है यहाँ पर, ला तब्दील अली खल्किल्ला, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया तो मर्द बनकर रहना है, औरत बनाया है तो औरत बन करके रहना है। अल्लाह की तख्लीक में कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं। इसी तरह से बाज़ लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा बाज़ लोगों के बारे में कि वो लोग अपने चेहरे को बाकायदा जो है तब्दील कराते हैं, उसके अंदर सर्जरी करवाते हैं, हालाँकि वो बूढ़े हो चुके हैं, बाकायदा जो है उसकी सर्जरी करवा करके उसको नौजवान दिखने और जवान दिखने के लिए वो सारे काम करते हैं। सही है गलत है? आयत करीमा की रोशनी में ये मना किया गया है कि हम अल्लाह की तख्लीक में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए, अल्लाह ताला ने बुढ़ापा दिया है, कबूल है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की तख्लीक में कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो लोग इस तरह करते हैं उन लोगों को अपने आप से चौकन्ना कर लेना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ये बहर और बर, एक खुश्की और तरी, इसके अंदर जो फसाद मचा हुआ है, ये बिगाड़ जो पैदा हुआ है, ये सब बिगाड़ इंसान के अपने अमलों का है, उसके अपने हाथ से कमाई हुई चीज़ों का है, उसके अपने आमाल की बुनियाद पर ये दूरे ज़मीन पर जो बर और बहर के अंदर फितना फसाद और बिगाड़ पैदा हुआ है, ये सिर्फ इंसान के अपने अमल की बुनियाद पर। अल्लाह ने कहा ज़हर अल-फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ने कहा कि ये बर और बहर के अंदर जो फसाद है, ये बिगाड़ जो पैदा हो गया है, लोगों के अपने हाथ की कमाई है, अपने बुरे करतूतों की वजह से है। और ये क्यों है बिगाड़, ये फसाद क्यों होता है, ये आजमाइशें क्यों आती हैं, ये सारे माहौल जो ख़राब होते हैं, ये सब मामलात होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू, ताकि लोगों के बाज़ लोगों के बुरे आमाल की वजह से अल्लाह ताला उनको सज़ा देना चाहता है, उन्हें मज़ा चखाना चाहता है कि दुनिया के अंदर तुम जो बुरे अमल कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम करते चले जाओ करते जाओ, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं, तुम्हारी कोई बाज़ पुरस करने वाला नहीं, तुम्हें कोई अल्लाह ताला के अलावा कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें पूछेगा और दुनिया में ऐसी कड़ी सज़ा देगा कि तुम रहती दुनिया तक के लिए इबरत और नसीहत के सामान बन जाओगे। मेरे भाइयों, आज के माहौल में यह आयत करीमा समझना बहुत आसान है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि फसाद से मुराद ये है कि फसाद से मुराद वो बिगाड़ जो ज़मीनी तौर पर इंसान के अंदर आ जाए, जैसे कत्ल गारत गिरी, इसी तरह से खौफ दहशत और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब है। और फसाद से मुराद वो बिगाड़ भी है जो आसमानी आफत की शक्ल में नाजिल होता है, जैसे बारिश, इसी तरह जलजले, इसी तरह से कसरत से अमवात, मौत का होना, कोरोना वायरस हमारे दरमियान हो। मेरे भाइयों, ये आयत करीमा मुझे और आपको बताती है मुसलमानों के आमाल, लोगों के आमाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और ये ज़मीन जो है ये लोगों के बोझों को उठा नहीं पा रही है, उसकी बुनियाद पर लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू, बाज़ लोगों को अल्लाह मज़ा चखाना चाहता है कि देखो खौफ किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं, और कसरत अमवात, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ होना, ये क्यों होता है, ये लोगों के अपने आमाल की बुनियाद। आज हम देखते हैं एक दिन में कई कई जनाजे हमारे सामने से गुजर रहे हैं, मौत बिल्कुल आम हो चुकी है। पहले हम कभी साल में 6 महीने में 8 महीने में किसी का जनाजा आ गया तो सोचते थे कि हाँ जनाजा आया है, बड़ा एहतमाम करते, नमाज़ पढ़ते, कब्रिस्तान जाते और पूरे 2 किरात जो है सवाब वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज इंतकाल हो रहा है, हर दिन 4, 5, 6, 8, 10 बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हो रही, मौत हो रही, आ रहे हैं, क्या है, नमाज़ पढ़ रहे हैं बस, जा रहे हैं, कोई कब्रिस्तान जा रहा है नहीं जा रहा है, किसी को कोई पढ़ी नहीं, सवाब है नहीं है,
बेटा है, बाप है, माँ है, घर का ख़ानदान का आदमी है, कोई करीब नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो इतना डरा हुआ है, उसके दिल के अंदर इतना खौफ आ चुका है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है, ये इंसान के अपने आमाल की वजह से आज ज़रूरत है। जानते हैं अल्लाह ने आखिर में क्या कहा? लअल्लहुम यरजिउन। इलाज भी बता दिया, अगर ये वायरस और इस किस्म की जितनी वबाई बीमारियाँ, जितने फसाद रुए ज़मीन पर मचे हुए हैं और बर बहर के अंदर जो फसाद मचा हुआ है, इन तमाम से अगर बचना है तो लअल्लहुम यरजिउन, पलट करके आ जाओ अल्लाह की तरफ से, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुसलमान नहीं है आपने, फिर भी मौत उसके घर में हो रही है, मौत उसके पड़ोस में हो रही है, मौत उसके महल्ले के अंदर हो रही है, एक बिल्डिंग के अंदर हो रही है। इबरत और नसीहत कुछ नहीं, वही पुराना रिवाज, वही पुराना काम, बेराह रवी, वही गुंडागर्दी, वही बेनमाजी और नमाज को छोड़ने का माहौल, और न कुरान की तिलावत, न अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार, ना रुजू, ना कुछ, ना कुछ, सारे दिन के जो काम हैं वो सब कुछ छोड़ बैठा है और छोड़े हुए हैं। उससे ये सारी जो मौतें हो रही हैं उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कहा लअल्लहुम यरजिउन, ये इसलिए होता है, अल्लाह ताला इसलिए मज़ा चखाता है दुनिया वालों को, ताकि लोग पलट करके आ जाएँ अल्लाह की तरफ, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। ज़रूरत है इस मौके पर, इस कोरोना वायरस के नाम पर, जो मेरे भाइयों मैंने अभी बताया कि बाज़ दफ़ा ऐसी अल्लाह सज़ा देता है कि रहती दुनिया तक, ये जब तक दुनिया कायम है तब तक नस्ल दर नस्ल जो है उसे याद करती है। जानते हैं फिरौन को ख़त्म हुए कितने सालों हो गए? साल हाँ साल, कितने हज़ारों साल हो गए, लेकिन आज भी फिरौन को अल्लाह ने इबरत के लिए बाकी रखा है ना, उसका नाम आज भी बाकी है। उसको जो सज़ा दी गई, उसको जो पानी के अंदर डुबो करके हलाक किया, आज भी कितनी कौमें पिछले ज़मानों में गुजरी हैं जिनको अल्लाह ताला ने तहस नहस किया, बर्बाद किया, आज भी कुरान के अंदर उनकी जो है बातें मौजूद हैं और उनके किस्से कहानियाँ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है ये कोरोना वायरस का जो माहौल है ये दुनिया से मिट जाएगा? ये दुनिया रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे कि एक माहौल ऐसा भी था कोरोना वायरस का कि पूरी दुनिया इससे लरज रही थी, कांप रही थी, और जैसे ये सब कौमों को जो अजाब दिया गया, सजाएं दी गई, जिस तरह उनको याद किया जा रहा है, इससे तारीख लिखी जाएगी कोरोना वायरस की। इसलिए मेरे भाइयों, रहती दुनिया तक ये इबरत बना देता है अल्लाह ताला, ताकि लोग आप अल्लाह की तरफ पलट करके आ जाएं रुजू करने। आगे अल्लाह तबारक व तआला एक नई सूरह शुरू कर रहा है, सूरह लुक़मान। उसमें अल्लाह ने फरमाया शुरू में, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَتَّخِذَهَا هُزُوًا। दुनिया के अंदर बाज लोग ऐसे हैं जो गाने बजाने और मौसीकी, गाना सुनने वगैरह के आलात को खरीदते हैं। अल्लाह ने कहा وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, लहवल हदीस को मुफस्सिरीन ने कहा गाना बजाना और इसी तरह से जितने भी आलात तर्ब हैं जिससे इंसान को सुरूर मिलता है, जिससे इंसान दिल्लगी महसूस करता है, उसका दिल उसकी तरफ माइल होता है, उसे सुनने के बाद गाना बजाने और गाना सुनने के जितने भी आलात हैं वो तमाम के तमाम लहवल हदीस के अंदर दाखिल है। अल्लाह ताला ने कहा जो भी ये ख़रीदता है लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से गुमराह करता है या गुमराह खुद होता है, बग़ैर इल्म, इल्म ना होने की वजह से, उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी दर्दनाक अजाब देता है और आखिरत में भी ऐसे लोगों का अजाब है। मेरे भाइयों, गाना सुनने के आज कितने आलात आ चुके हैं, टीवी हमारे घर के अंदर है, टेलीविज़न हमारे घर के अंदर है, वीसीआर हमारे घरों के अंदर है, रेडियो हमारे घर के अंदर है, और दूर मत जाइए मैं कहूँ कि हमारा एंड्रॉयड और स्मार्टफोन भी हमारे घर में है, हमारे जेब में है। इतनी बड़ी तादाद है जो चलते फिरते उठते बैठते सोने के टाइम पे, जब वो मौत के हवाले होने जा रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये नींद जो है ये मौत की बहन है,
कि मौत एक बड़ी नींद है और छोटी नींद जो है ये हमारे लिए समझ लीजिए एक निशानी है कि आपको एक दिन जाना है, सोना है। उस मौके पर भी लोग जो है गाना सुन करके सोते हैं। बाज़ लोग तो इतने बदनसीब होते हैं, बदकिस्मत होते हैं, कान में लीड लगाए ही सो जाते हैं और बजता रहता है, पूरी रात बजता रहता है और वो अपनी आँखों की नींद सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मेरे भाइयों, किस कदर माहौल गिर गया है मुसलमानों की, मुसलमानी जो है उसका ईमानी जज्बा, ईमान का जो जज्बा है वो सब कुछ सर्द पड़ता चला जा रहा है, सब कुछ गिरता चला जा रहा है। मुसलमान बहुत हद तक गिरावट का शिकार हो चुका है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के अजाब आते हैं और मुसलमान अल्लाह के अजाब में मुब्तला होता जा रहा है। अल्लाह ने कहा जो लोग इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी दर्दनाक सज़ाएँ देता है। आगे अल्लाह ताला ने लुक्मान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को कुछ नसीहतें हैं, बहुत जामे नसीहतें हैं। पहली नसीहत यह है, ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कहा बेटे शिर्क न करना, शिर्क बड़ा गुनाह है, ये शिर्क जो है बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद दूसरी वसीयत और नसीहत की, बेटे वसीन अल इंसान बिवालिदैही, अपने वालिदैन के हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, हुस्न सलूक करना। तीसरी नसीहत की के अपने गाल को मत फुलाना, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन तकुन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समा वाती औ फिल अर्द याती बिहा अल्लाह। कहा कि बेटे जब तुम किसी से मिलो तो अपने गाल को मत फुलाओ। मुराद ये है कि जब किसी से मिले तो खंदा पेशानी के साथ, हसमुख चेहरे के साथ मिले, अपने अपनी अना में, अपने घमंड में, अपने तकब्बुर में किसी को हकीर ना समझो। कोई आदमी आपसे बात कर रहे हैं और आप चेहरा फिर करके, फिरा करके, मुंह टेढ़ा करके उससे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह उस चीज़ की नफ़ी कर रहा है कि बे अल्लाह ताला मना कर रहा है। लुक्मान अलैहिस्सलाम, लुक्मान जो है अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटे जब आपसे कोई बात करे तो अच्छे से बात करो, खंदा पेशानी के साथ, अपने चेहरे को मत फुलाओ, अपने चेहरे को मत मोड़ो, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। इसी तरह आगे नसीहत की, अकीमिस्सला वअमुर बिलमारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। नमाज कायम करो, अमर बिलमारूफ वनहा अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दो और वस्बिर अला मा असाबक, और जो कुछ भी तुम्हें तकलीफ पहुँचे उस पर सब्र करो। ये सब्र जो है ये आपको नजात दिला सकता है, निजात देगा। इसी तरह फरमाया वला तुसअर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा। अपने गाल ना फुलाओ, यहाँ पर भी गाल फुलाने का मकसद है कि जब कोई आपसे बात करें तो घमंड और तकब्बुर में आप अपने चेहरे को मत फेरिए। ये असल में तुसअर जो है ये अरबी ज़ुबान में सौद ऐन रा, सार एक बीमारी है, सार एक बीमारी है जो ऊँट को लगती थी और उसके गर्दन में या उसके मुंह पर ये होती थी, जिसकी बुनियाद पर वो ऊँट जो है अपनी गर्दन को ऐसी टेढ़ी रखता था, इसीलिए उसको सार कहते हैं। और उसी लफ्ज़ को, उसी अरबी के लफ्ज़ को लुक्मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा वला तुसअर खद्दक लिन्नास, जब तू किसी से बात करे तो अपनी गर्दन को मोड़ करके, अपने गर्दन को दूसरी तरफ करके किसी से बात मत करो। अगर बात करना है तो सामने सामने बात करो, सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है तो आप भी उनके सामने खुल करके बात करें। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और ज़मीन के ऊपर अकड़ कर न चलना, बल्कि इत्मीनान से, वक़ार से, संजीदगी के साथ और इत्मीनान से चलना। वक़्सिद फी मशिका वक़्दुद मिन सौतिक, और कहा वक़्सिद फी मशिका, इत्मीनान से, वक़ार से रुए ज़मीन पर चलो, तवाज़ो और इनकसारी और खाकसारी के साथ ज़मीन पर चलो, और वक़्फिद वग़्दुद मिन सौतिका, और अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, नीचा रखो। इन्ना अनकर अस्वाति लसौतुल हमीद, के सबसे बुरी आवाज़ रुए ज़मीन पर गधे की है। किसकी है? गधे की आवाज़ सबसे बुरी। अल्लाह ने कहा कि गधे की आवाज़ निकालो, इसलिए मना किया, ये मना किया निकालने के लिए, क्योंकि आप देखते होंगे गधे को आवाज़ निकालते हुए कि वो बड़ी तेज़ी के साथ चिल्ला चिल्ला करके आवाज़ निकालता है, चिल्ला चिल्ला करके वो हिन हिनाता है,
चिल्ला करके आवाज़ निकालता। ऐसे ही अल्लाह ने कहा कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा वग़ुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो, अपनी आवाज़ को ज़ोर शोर से बोलने वाला मत बनाओ। बाज़ लोग देखते होंगे आप कि मजलिस के और लोगों के खड़े होने का अदब नहीं समझते, और वहाँ पर भी वही ज़ोर ज़ोर से बोलना और ठट्ठे मार के हंसना, ये सब बातें अच्छी चीज़ नहीं है, और ये सब बातें अच्छी नहीं हैं, ये सब अखलाक और किरदार अच्छे नहीं हैं। लुकमान ने अपने बेटे से यही कहा कि बेटे बातें करते वक्त अपनी आवाज़ को नर्म रखना, पस्त रखना। और दुनिया के अंदर सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब गधा आवाज़ लगा रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने कि जब गधा हेंकने लगे, जब आवाज़ निकालने लगे, तो गधे के आवाज़ निकालने पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इस सूरत के आखिर में, यानी सूरह लुकमान के आखिर में अल्लाह ताला ने पांच चीज़ों के बारे में कहा, इसका इल्म किसी को नहीं है, सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। दुनिया के अंदर कितनी पूरी कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक है, तमाम मखलूकात में किसी को इसका इल्म नहीं है, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो अवलिया हो, सुलहा हो, शहदा हो, सालिहीन हो, कोई भी हो, किसी को इनका इल्म ही सिवाय अल्लाह के। वो कौन है, पांच चीज़ें क्या है, उसको हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच चीज़ें मफातिहुल गैब है। पांच चीज़ें क्या है, मफातिहुल गैब, गैब को खोलने वाली पांच चीज़ें गैब की है, जिसको सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, उसको दुनिया के अंदर या कायनात में कोई नहीं जानता। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्सा, पहली चीज़ क़यामत का इल्म, पहली चीज़ क़यामत का, किसी को नहीं मालूम कब आने वाली है, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। नंबर दो, वयुनज़्ज़िलुल ग़ैथ, अल्लाह बारिश नाजिल करता है, लेकिन कब नाजिल होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं पता। नंबर तीन, वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तो मालूम कर लेते हैं कि बच्चा है या बच्ची, लेकिन ये नहीं मालूम कर पाते कि ये बच्चा नेक होगा या कि बद होगा, ये नहीं मालूम कर पाते हैं कि ये बच्चा निकलने के बाद सही सालिम होगा या उसके अंदर कोई नक्स और कोई ऐब होगा, गूंगा होगा या बोलने वाला होगा, ये कोई नहीं बता। इसीलिए अल्लाह ने कहा वयअलमु मा फिल अरहाम, जो माँ के पेटों के अंदर जो चीज़ है, वो जो बच्चे हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है उनके बारे में। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, वमा तदरी नफ्सु मादा तकसिबु गदा, तुम कल कहाँ से कमाओगे, खाना कहाँ से हासिल करोगे, रोज़ी रोटी कहाँ से मिलेगी, किसी को नहीं मालूम। किसी को मालूम है, नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सु बिअय्यि अर्दिन तमूत, कहाँ मौत होनी है, इंसान पैदा होता है कहीं और जाकर के उसकी वफ़ात कहीं होती है, ये सिर्फ उसको उसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह ने कहा कि ये पांच चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को, उसके अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है, लिहाजा इन पांच चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंसान को दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। इसी तरह आगे जो सूरत शुरू हो रही है वो अलिफ लाम मीम सजदा, इसके बारे में दो फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा की सुबह फजर की नमाज में, जुमा के दिन की जो फजर की नमाज होती है, उसमें अल्लाह के नबी पहली रकात के अंदर अलिफ लाम मीम सजदा और दूसरी रकात में हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ते थे। आप जैसे पढ़ते थे, हम भी इस तरह से उस पर अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है। इसी तरह से अलिफ लाम मीम सजदे की दूसरी फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, ये दोनों सूरतें पढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। इससे बात मालूम हुई कि ये बहुत अहम और अजीम फजीलत वाली ये सूरत है, हमें भी पढ़ना चाहिए। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया मुजरिमों के ताल्लुक से, जो मुजरिमीन होंगे, चाहे उसमें काफिर मुशरिक और मुसलमानों में जो नाफरमान, सारे मुजरिमीन के बारे में कहा वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुकिनून। जब मुजरिमीन अपनी आँखों के सामने सब कुछ जाहिर देख लेंगे, ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये दुनिया का मामला है, ये दुनिया की सारी कहानी हमारे सामने है,
जब वो लोग देख लेंगे तो कहेंगे रब्बना बसरना, अल्लाह हमारे रब हमने देख लिया, समेना सुन भी लिया, फ़र्जना नअमल सालिहा, लिहाजा एक मरतबा फिर हमें दुनिया में भेज दे ताकि हम खूब नेकियां करें, खूब नेक अमल करें। मेरे भाइयों इसमें पैगाम है, अल्लाह इतने खुल करके इतने वाज़े अंदाज़ में मुझे और आपको ये बता रहा है कि दुनिया के लोगों अपने अमल को पहले ही दुरुस्त कर लो, फिर बाद में जा कर के पछताना ना पड़े और शर्मिंदा ना होना पड़े, लिहाजा पहले ही अपने अमल को दुरुस्त कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस आयत से पैगाम दिया है कि हमें पहले ही दुरुस्त हो जाना चाहिए और नेकियां खूब बटोर लेनी चाहिए, खूब नेकियां करनी चाहिए, वरना वहां जाने के बाद फिर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। आगे सूरह अहज़ाब शुरू हो रही है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में फरमाया कि एक इंसान के अंदर एक ही दिल अल्लाह ने बनाया। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई, एक मुनाफिक ने कहा कि मेरे पास तो दो दिल है। एक मुनाफिक ने क्या कहा, मेरे पास दो दिल है, एक दिल मुसलमानों के साथ रहता है और एक दिल काफिरों के साथ रहता है। ये बड़ी अजीब बात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा दी, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफी, अल्लाह ने कहा किसी इंसान के जौफ में उसके दिल के उसके जिस्म के अंदर उसके पेट के अंदर अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं बनाए, सिर्फ एक ही दिल है, सिर्फ एक ही दिल है, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही दिल बनाया है। और एक हदीस के मुताबिक जो है इसका शान नुज़ूल ये है, एक मुशरिक था जिसका नाम जमील बिन मुअम्मर फहरी, जमील बिन मुअम्मर फहरी नामी एक मुशरिक था, उसने कहा मैं अपने अंदर दो दिल रखता हूँ, अपने अंदर दो दिल रखता हूँ और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह उनके पास तो सिर्फ़ एक ही दिल है, लिहाजा मैं बेहतर हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। समझ गए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैं बेहतर हूँ इसलिए कि मेरे पास दो दिल हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही दिल है। अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक हैं सारी मखलूक़ात के पास कितना दिल है, एक दिल है, एक से ज़्यादा किसी का दिल नहीं, अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं किसी के अंदर दो दिल। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की नफ़ी कर दी कि दुनिया के अंदर अगर कोई ये समस्या है कि हमारे अंदर फलां चीज़ दो है या दो दिल है तो ये कहना बिल्कुल फजूल और बेबुनियाद बात है। अल्लाह तबारक व ताला ने किसी भी मखलूक के अंदर दो दिल नहीं बनाया, सिर्फ एक ही दिल बनाया है, लिहाजा ये जो कह रहा है मुशरिक हो चाहे मुनाफिक हो इसकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है और नाकाबिल कबूल है। इसी तरह अल्लाह आगे फरमा रहा है कि दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे और आपके लिए एक नमूना और बेहतरीन नमूना आइडियल बना करके भेजा है, कहा कि जो अल्लाह के ऊपर यौम आखिरत के ऊपर और बकसरत जिक्र करने वाला वही शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाए। जो अल्लाह पर ईमान रखेगा, यौम आखिरत पर ईमान रखेगा, जो बकसरत जिक्र करेगा वही शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडिया और नमूना तस्लीम करेगा, बनाएगा, और जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता है वो नबी को आइडिया और नमूना नहीं बनाएगा। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़िक्रल्लाह कसीरा, अल्लाह ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी पूरी लाइफ में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे अपने घर वालों के साथ रहते थे, बाहर वालों के साथ कैसे रहते, अपने पड़ोस के साथ रहते, मस्जिद में आते तो कैसे रहते, बाहर बाजार में जाते तो कैसे, पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे और आपके लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह ताला ने कहा इस नबी की ज़िंदगी में आइडियल और नमूना है लेकिन उन लोगों के लिए, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह तबारक व ताला से मिलने की उम्मीद करता हो और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, व ज़िक्र अल्लाह कसीर और बकसरत जिक्र करता हो वही शख्स आइडियल बनाता है। मेरे भाइयों आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आइडियल नहीं बनाया, मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नहीं बनाया, इसीलिए आज परेशान है दुनिया। आज मुसलमान जो परेशान है उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है, उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नहीं बनाया। किसी का आइडियल कौन है, कोई हीरो है, किसी का आइडियल कोई क्रिकेटर है, किसी का आइडियल
कोई बिजनेसमैन है, किसी का आइडियल कोई अच्छे से अच्छा ताजिर है, और कोई अच्छा माहिरीन फ़न है। अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल किसको बनाया, किसको बनाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नहीं बनाया तो फिर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इस पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से जिक्र किया। एक मरतबा इन लोगों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने बाज़ औरतों की बातों में आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा शुरू कर दिया, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है अल्लाह के नबी, आप कह दीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वज़ीनतुहा फतअलैना उमत्तिअकुन्ना वअसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अल्लाह ने कहा आपको सब मिल जाएगा, फिर आपको धीरे से आपको सबको अलग कर दिया जाएगा। मंजूर है? अलग कर देने का मतलब सबको तलाक दे दी जाएगी। आप सारे जो नबी की जो बीवियां हैं सबको कहा गया, क्या आपको ये मंजूर है? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से कहा, आपको इख्तियार है, ये दुनिया आपको सारी दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इख्तियार ये भी है कि आपको हमारे साथ रहना या नहीं रहना। उन्होंने कहा हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, ये दुनिया की नेमतें, ये दुनिया का माल, ये दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, ये मेरे लिए कुछ भी हैसियत नहीं रखती है, मेरे नज़दीक तो मेरे रब और मेरे रसूल का मकाम और उनकी मोहब्बत अहमियत है। अल्लाह अकबर। औरतों ने ठुकरा दिया, दुनिया की सारी चीज़ों को ठुकरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई। कई दिनों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे को इला कहा जाता है, एक महीना अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से दूर रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मामले को दुरुस्त किया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियाँ जैसे पहले थी उस रविश पर, उस रास्ते पर आ गई। बाज़ औरतों की बुनियाद पर जो है, बाज़ औरतें के कहने की बुनियाद पर वो बातों में आ करके वो भी मुतालबा करने लग गई थी। मेरे भाइयों एक बात मालूम होती है इससे कि हमारी बजात खुद अपनी, हमारी अपनी बीवियां जो है बाज़ दफ़ा ख़राब नहीं होती, वो किसी की बात में आ करके वो भी मुतालबात करने लग जाती है ना। पड़ोस में चली गई, अरे आपके घर में फ्रिज नहीं है? हमारे घर में तो फ्रिज है। आपके घर में टीवी नहीं है? मियाँ से मुतालबा करो, ला करके दे देंगे। आपके शोहर से मुतालबा करो, टीवी नहीं है? आप सीरियल कैसे देखते? फिर आप पिक्चर कैसे देखेंगे, फिल्म कैसे देखेंगे? बाज़ लोग जो है, हमारी ख्वातीन जो है, किसी न किसी तरह से दूसरी ख्वातीन से बिगड़ती हैं और बनती हैं। इसलिए अच्छे माहौल में रहना चाहिए, अच्छे पड़ोसियों का साथ देना चाहिए, और औरतों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी की बात को ना समझे, वो अपने माहौल को समझे। आपका और आपके शोहर का माहौल क्या है, आपके इस्तेआत और हैसियत क्या है, किन चीज़ों को रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, आपके घर के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ नुकसानदेह है, आपके बच्चों के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नुकसानदेह है, उन तमाम चीज़ों को समझ करके अपने घर को चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको सारे मुसलमानों को कुरान मजीद को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब खात्मा हो खात्मा बिलखैर नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।